इबोला वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जिसके संक्रमण से हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर दोनों तरफ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और इसका खतरा भारत में भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो इस वीडियो में हम इबोला वायरस के बारे में जानेंगे और ये मेरा मेडिकल बुलेटिन का ये सेकेंड एपिसोड है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा मैं इसी टाइप के वीडियोज़ लाता हूँ और आपको सब्सक्राइब करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा जिससे आप हमारे वीडियो को कभी भी मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, इबोला वायरस का खतरा धीरे धीरे भारत में बढ़ते जा रहा है। ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह आगाह किया है कि हमें भी इससे सचेत होने की ज़रूरत है। तो इबोला वायरस आखिर में होता क्या है, ये किस तरह से हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है, चलिए जानने की कोशिश। हाल ही में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इबोला वायरस को एक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में डिक्लेयर किया है, क्योंकि कोंगो एक अफ्रीका का एक देश है जहाँ पे ये मतलब कि इबोला वायरस का बहुत ही ज़्यादा रूप में ये आउटब्रेक के रूप में पाया गया है। तो इबोला वायरस असल में इबोला नदी के किनारे पहली बार रिपोर्ट किया गया था और इसी के नाम से ये वायरस का नाम इबोला वायरस हो गया। तो इबोला वायरस का संक्रमण आम संक्रमण से अलग होता है। इसका संक्रमण बॉडी फ्लूइड के ज़रिए होता है, जैसे कि हमारे खून के ज़रिए, जैसे जब भी हम कोई एक सिरिंज को यूज़ करते हैं और उसी को अगर बिना डिस्पोज किए हुए दूसरे मरीज में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इबोला वायरस इसी तरह से फैलता है। तो जब भी इबोला वायरस जब हमारे शरीर में आता है तो ये हमारे जो शरीर में जो जब भी हमें कोई जख्म होता है, ब्लीडिंग होता है, तो उसे रोक ब्लीडिंग को रोक नहीं पाता है इस वजह से। और ये चीज़ आपके शरीर के अंदर भी हो सकता है और शरीर के बाहर हो सकता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो ब्लीडिंग को रोकना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाता है और 70% केसेस में इबोला वायरस से मौत भी हो सकती है। तो हमें जानने की ज़रूरत है कि इबोला वायरस के साइंस एंड सिम्टम्स कैसे होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इबोला वायरस का जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, वो फ्लू के जैसा ही होता है। इसमें आपको बहुत तेज़ बुखार होगा, आपके सर में दर्द होगा, आपके गला में खराश होगी, आपके पूरे शरीर में दर्द होगा, आपके मांसपेशियों, आपके जोड़ों में दर्द होगा। अगर ऐसे अगर सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे सही परामर्श लें और इसका इलाज भी संभव है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार ये भारत में इसका खतरा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे भारत से भी बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं और ऐसा अनुमान है कि कॉन्गो और आसपास के देशों में लगभग 30,000 भारतीय रहते हैं। तो उनके ज़रिए जब वो भारत आते हैं तो अपने साथ ये वायरस को लेके आ सकते हैं। तो जानकारी ही इसका बचाव है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।